हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वोकैबुलरी का तीसरा पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एबोमिनेट, एबोमिनेट मतलब क्या होता है? एबोमिनेट का मतलब होता है जब कोई घृणा करता किसी से, ठीक है। तो डिटेस्ट, लोथ, हेट, एबोर, एनाथीमा, इन सब का मतलब होता है एबोमिनेट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। डिटेस्ट हो गया, लोथ हो गया, हेट, एबहॉर और एनाथीमा, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम था ये था, और एंटोनिम लव, लाइक, एडमायर और अप्रूव, ठीक है। चलिए एबॉर्टिव, एबॉर्टिव, एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? कि जो चीज़ें अनसक्सेसफुल हो, ठीक है, क्या हो, अनसक्सेसफुल हो, तो उसे बोलेंगे एबॉर्टिव, ठीक है। फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल हो तो कहते हैं फ्यूटाइल अटैम्प्ट है, अनसक्सेसफुल, प्री मैच्योर, निगेटरी, निगेटरी मतलब होता है जो फाल्स, निगेटरी मतलब क्या हो जाता है, फाल्स आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो और सारी क्या नाम है, एबॉर्टिव की बताता हूँ आपको मैं। एबॉर्टिव के वेन हो गया, VAIN, वेन, इसका भी मतलब होता है जो मतलब अनसक्सेसफुल है ना। थ्वार्टेड, THWARTED, थ्वार्टेड, थ्वार्टेड का मतलब होता है जब कोई काम कोई बिगाड़ दे, है ना, इसका मतलब होता है थ्वार्टेड, ठीक है। और एक वर्ड इसी से रिलेटेड और है डिसिपेट, इसका भी मतलब भी काम कोई बिगाड़ देता है तो डिसिपेट हो गया, थॉर्टेड हो गया। बैरन, बैरन हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया, ठीक है, यूजलेस। तो ये सब वर्ड हैं एबॉर्टिव के लिए, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अब पॉजिटिव मीनिंग में चाहिए इफेक्टिव, वेल टाइम्ड, सक्सेसफुल, मैच्योर्ड, ये सब। अब्रेट, अब्रेट का मतलब क्या होता है? रगड़ना, ठीक है, रब करना, आप ये समझते हैं रब, रब मतलब क्या होता है, रगड़ना, कुछ चीज़ें रगड़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एब्रेट, ठीक है। स्क्रेप, इच, इफेस मतलब होता है मिटाना, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। रिमूव, स्कोर, इसका भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वाइप आउट, तो इसका मतलब होता है जो चीज़ मिटा दी जाए बिल्कुल, ठीक है, तो उसे बोलेंगे एब्रेट, ठीक है। अब इसके लिए तमाम है, बताता हूँ मैं आपको। एक तो मैंने रब बता ही दिया, दूसरा इरोड, ERODE, इरोड, इरोड हो गया, कोरोड, COROD, कोरोड, ठीक है। वियर डाउन, ठीक है, वियर डाउन, वियर डाउन हो गया, और वियर हो गया, वेयर हो गया, वेयर डाउन हो गया, कोरोड हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं एवरेड वर्ड है, ठीक है, रगड़ना या खुरोचना, ठीक है। तो एंटोनिम हो जाएगा इम्प्रिंट और इम्प्लांट। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है कोई भी कानून जो है उसको रद्द कर देना। एनल, एनल आप बहुत बढ़िया वर्ड है, एनल बताता हूँ आपको मैं, एनल, ANNUL, एनल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एब्रोगेट, एनल कर देना, एबॉलिश कर देना। क्वेश, क्वेश मतलब दबा देना, कोई मैटर होता है उसे दबा देना, क्वेश, ठीक है। कैंसिल कर देना, इनवैलिड है, ठीक है, इनवैलिडेट, रेसिंड होना, ठीक है, मतलब रद्द कर देना इसके लिए है, ठीक है। और एब्रोगेट का बताता हूँ मैं आपको, रेपुडिएट, इसका भी मतलब होता है उसे क्या नाम है, कैंसिल कर देना, ठीक है, रद्द कर देना। रिवोक, ये पुराने, मैंने पुराने वीडियोज में भी ये कवर किया हुआ, रिवोक और रेपुडिएट, रेनेगे, ये भी बताया हूँ, पुराना वीडियो आप देखिएगा आपको मिलेगा, ठीक है। रेपुडिएट हो गया, रिवोक हो गया, रेनेगे हो गया, और रिपील, रिपील वर्ड हो, एक हो गया रिपील, REPEL, रिपील, रिपील कर देना, डिटैच, अलग कर देना बिल्कुल, ठीक है, डिटैच हो गया, रिपील हो गया। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मतलब भी होता है अलग कर देना। और टेक अपार्ट, टेक अपार्ट एक समझ सकते हैं फ्रेज जैसा, टेक अपार्ट मतलब अलग कर देना,
है, तो ये सब आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब उसे क्या नाम रद्द करना है, तो उसे कंफर्म करना, रेटिफाई, रिस्टोर, इंस्टीट्यूट, ये सब बोल सकते हैं आप। एब्रप्ट, अब देखिए एब्रप्ट मतलब होता है अचानक से, ठीक है, हरीड जिसे बोलते हैं, हरीड है ना, अचानक से। तो एब्रप्ट मतलब होता है अचानक से, बिना किसी तैयारी, है ना, बिना किसी प्रिपरेशन के। इम्प्रॉम्प्टू एक वर्ड है, इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। सडन हो गया, स्टीप हो गया, हरीड, हैस्टी, स्विफ्ट, रैपिड, इंस्टेंटेनियस, इमीडिएट, इमीडिएट आप बोल सकते हैं, स्पीडी बोल सकते हैं, ठीक है, इमीडिएट बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हैं, इमीडिएट प्रेसिपिटेट, केमिस्ट्री में भी यूज होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये सब वर्ड एब्रप्ट के लिए यूज किया जा सकते हैं। तो इसका मतलब होता है तेज़ी से, तो मतलब धीमे से, ग्रेजुअल, ठीक है, अनहरीड, स्मूथ, ये सब वर्ड। एबेस्कॉन्ट, एबेस्कॉन्ट मतलब होता है चुपके से, जब आप भाग जाते हैं, ठीक है, एबेस्कॉन्ट का मतलब होता है चुपके से भाग जाना, ठीक है। तो अब देखिए चुपके से भाग जाने के लिए क्या हो जाएगा, डिकैम्प, रन ऑफ, स्केप, लीव, डिसअपियर, और डिकैम्प, फ्ली, फ्ली मतलब भाग जाना, है ना, चुपके से भाग जाना, फ्ली हो गया। और कौन सा आ जाए, इलोप, इलोप मतलब किसी लड़की को पकड़ के लेके जाना, ठीक है, इलोप इसे बोलते हैं, इलोप। और रन अवे, रन अवे भी आपने बहुत बार आपने सुना होगा, रन अवे, ठीक है, रन अवे हो गया, रन, हाँ, क्लियर आउट, क्लियर आउट भी एक वर्ड है, क्लियर आउट, इसका भी मतलब होता है भाग जाना चुपके से, क्लियर आउट। और स्क्रैम, स्क्रैम हो गया, रन फॉर इट, रन फॉर इट, ठीक है। और चुपके से पकड़ने, और क्या है, एक वर्ड, एक बढ़िया वर्ड बताता हूँ मैं आपको, टफ वर्ड है, एप्स, एप्स क्वाटुलेट, ABSQUA TULAT, एप्स क्वाटुलेट, इसका मतलब भी होता है भगा ले जाना, ठीक है, चुपके से भाग जाना, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दो चार इडियम्स हैं, मैं इडियम्स पे आता हूँ, ठीक है। तो पहला है टू कम हेल और हाई वाटर, मतलब चाहे जैसी सिचुएशन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, सब वो सह लेगा, ठीक है। वाट एवर डिफिकल्टीज में आकर, कोई भी दिक्कत हो, वाट एवर, वाट एवर डिफिकल्टीज में आकर, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम आती है वो फेस करेगा, ठीक है। टू कम हेल और हाई वाटर। आयरन आउट, आयरन आउट का मतलब होता है कोई भी समस्या होती है, ठीक है, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, रिजॉल्व करके समस्या को ख़त्म किया जाए, ठीक है, तो उसे बोलेंगे आयरन आउट, ठीक है। कोई भी समस्या हो, यदि उसे हम क्या ना रिजॉल्व कर देते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं, तो उसे बोलेंगे आयरन आउट। ईट वंस हार्ट आउट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि सोचना, ठीक है, कि आप उसे चुपचाप, आप उसे सोच रहे हैं, ठीक है, अपने दिल के अंदर उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ईट वंस हार्ट आउट का मतलब होता है सफ़र साइलेंटली, सफ़र साइलेंटली, ठीक है, चुपचाप आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ईट वंस हार्ट आउट का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा। कट मी डेड, कट मी डेड का मतलब क्या हो जाएगा, जिसे आप अजनबी ट्रीट करते हो, ठीक है, कट मी डेड का मतलब ट्रीटेड मी एज अ स्ट्रेंजर, ठीक है, ट्रीटेड मी एज अ स्ट्रेंजर, ये हो जाएगा कट मी डेड, ठीक है। टू हेड्स आर बेटर देन वन, इसका मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई एडवाइस दे रहा हो तो दूसरा बंदा अच्छी एडवाइस के लिए दे सकता है, ठीक है, आपने एक लोगों से पूछा तो उससे अच्छी एडवाइस या बेनिफिशियल हो सकती है दूसरों की एडवाइस, ठीक है, दूसरे बंदे की, तो ये आप समझ सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा इट इज़ हेल्पफुल, इट इज हेल्पफुल टू हैव एडवाइस, टू हैव द एडवाइस ऑफ अ सेकेंड पर्सन, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो जाएगा टू हेड्स आर बेटर देन वन। नेक्स्ट, आज का लास्ट है ये, डोंट काउंट योर चिकेंस बिफोर दे हैच, ये कहावत है, ठीक है, ये पूछे जाते हैं आजकल कहावत भी, ठीक है, प्रोवर्ब्स जिसे आप बोलते हो, क्या प्रोवर्ब्स, ठीक है, तो ये प्रोवर्ब्स है आपका, प्रोवर्ब, ठीक है।
तो डोंट काउंट योर चिकेंस बिफोर दे हैच, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ यदि करते हो, कोई भी अच्छा काम यदि करते हो, तो उसे क्या नाम है, अच्छे मतलब ऑप्टिमिस्टिक वे में आप उसे ले जाओ, ठीक है, जब तक तो वो काम आपका हो ना जाए, ठीक है। मतलब उसमें ऐसा आपको नहीं सोचना है कि शेख चिल्ली के तरीके आप उसे सोच रहे हैं, ठीक है। नॉट टू बी टू गुड, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ, नॉट टू बी टू गुड श्योर दैट समथिंग गुड यू होप फॉर आल फॉर विल रियली हैपन, इट माइट नॉट हैपन आफ्टर ऑल, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ें क्या नाम है, आप जो श्योर होता है, ठीक है, उसे श्योर रहता है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है, होना वही है, लेकिन आप उससे अलग कुछ हो जाता है, ठीक है। तो अब शेख चिल्ली की तरह ना सोचिए, आप जो भी सोचिए बिल्कुल परफेक्ट सोचिए, ठीक है। तो ये आपका था लास्ट, यही था, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं आगे की अगले वाले वीडियो में आपसे, ठीक है, थैंक यू।